तो शेर है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12th फेल में विक्रांत मेसी ने आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा का रोल प्ले किया है। मनोज कुमार शर्मा एक आईपीएस एस्पिरेंट थे जो कि मध्य प्रदेश में डकैतों के इलाके चंबल के मुरैना क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत ही संघर्ष की लड़ाई लड़ी है। 12th फेल जो कि एक बॉलीवुड मूवी की कहानी मालूम पड़ती है, वो दरअसल एक सच्ची घटना है जो कि अनुराग पाठक के नोवेल 12th फेल पे बेस्ड है। अनुराग पाठक मनोज शर्मा के दोस्त हैं और फिल्म में इनका कैरेक्टर ही कहानी को नरेट करता है। इस नोवेल में उन लाखों यूपीएससी स्टूडेंट्स के स्ट्रगल को बताया गया है जो हर साल इस एग्जाम को देते हैं। इस नोवेल में दिखाया गया है कि कैसे बच्चे जो फाइनेंशियली वीक हैं, जिनके पास ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, वो भी अपने सपने के लिए इस एग्जाम की तैयारी में लगे रहते हैं। 12th में फेल होने से लेकर यूपीएससी जैसे डिफिकल्ट एग्जाम में 121 रैंक लाने तक का मनोज शर्मा की कहानी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। मनोज शर्मा को क्लास 8 तक तो कोई खास दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 9वीं और 10वीं में उन्हें पेपर्स क्लियर करने में बहुत परेशानी हुई। हालांकि वे जैसे तैसे पास तो हो गए, लेकिन 12वीं में फेल हो गए। आपने उस स्कूल में दाखिला ले लिया जहाँ झोर के नकल होती है? झोर के नकल होती है, और नकल भी ऐसे होती है कि बिल्कुल बोर्ड पर लिखा के एकदम आराम से, इतना सब लड़के ट्रीप लो और रख दो, छाप दो और रिजल्ट आ ही जाएगा, अच्छा तो आप पास हो जाएंगे। हमारा भाग्य और था कि नकल नहीं हुई, क्योंकि ऐसे ऑफिसर आगे जिनको मजा आता था नकल रोकने में, तो फिर क्या हुआ, हमारा पूरा लगभग पूरा स्कूल फेल हुआ। दूसरे अटैम्प्ट में 12th पास करने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर बाद में अपने 4th अटैम्प्ट में ही यूपीएससी भी क्लियर कर लिया। लेकिन उनका यूपीएससी तक का सफ़र इतना भी आसान नहीं था। इस दौरान वो टेम्पू भी चलाएं, भिखारियों के साथ सड़क पे भी सोएं, लाइब्रेरी में भी काम किया और डॉग वॉकर का भी काम किया ताकि वे यूपीएससी के कोचिंग क्लासेस का फीस भर सकें और किताब खरीद सकें। मनोज के जीवन का मुझे हल्का फुल्का अंदाजा है कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की थी अपने जमाने। स्ट्रगल ऐसी की थी कि गेहूं की चक्की पर नौकरी करते हुए तैयारी की, एक लाइब्रेरी में रोटी का काम संभालते हुए कि रात भर वहाँ सोना है, संभालना है, उसके बाद 300-400 रुपए उस जमाने में से उससे अपना काम चलाना है, एक स्ट्रगल करते हुए। घर से सपोर्ट नहीं थी, रहने वाले मुरैना के हैं और मुरैना के लोग पढ़ाई की स्ट्रगल करें ऐसा कम दिखता है, लेकिन मुरैना का आदमी आईपीएस बने तो फिर थोड़ा ठीक लगता है कि हाँ, बंदूक वैसे तरीके से हाथ में आ गई है, ये वाला भाव ज़्यादा मन में आता है। मनोज शर्मा को इसी दौरान अपनी ज़िंदगी का पहला प्यार श्रद्धा जोशी से भी मुलाकात हुआ, जो कि उनके संघर्ष के दिनों में उनसे मिली थी। उस कठिन समय में श्रद्धा ने मनोज की काफ़ी मदद और सपोर्ट की। आज ये दोनों पति पत्नी हैं और श्रद्धा एक आईएएस ऑफिसर हैं। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी के दौरान मनोज शर्मा श्रद्धा जोशी के प्यार में पड़ जाते हैं, जो कि उत्तराखंड की रहने वाली थी। उन दोनों की मुलाकात दिल्ली के मुखर्जी नगर के कोचिंग क्लास में होती है। चूँकि श्रद्धा हिंदी लिटरेचर में बहुत इंटरेस्टेड थी, तो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर ने उनकी मुलाकात मनोज शर्मा से कराई। नहीं, ये बात सही है, लड़की के चक्कर में आपका डाइवर्ट कहीं ना कहीं डाइवर्ट तो होते ही हैं आप। मैं भी डाइवर्ट हुआ, जब मेरा प्यार शुरू हुआ तो दो तीन अटैम्प्ट मेरे कहाँ चले गए मुझे पता ही नहीं, क्योंकि वो अटैम्प्ट में आपको वो लगता है भाड़ में जाओ, सिलेक्ट होंगे या ना होंगे देखेंगे बाद में, पहले लड़की ना निकल जाए आप। ये है कि अगर वो लड़की आपके अंदर क्षमताएँ देखती है, बताती है कि क्षमता है बाबू, क्या बाबू को पता नहीं रहता क्षमता है कि नहीं। उनको मिले बहुत ही कम दिन हुए थे कि मनोज श्रद्धा के प्यार में पड़ गए और उन्हें प्रपोज कर दिया, लेकिन उन्होंने मना करते हुए बोला कि क्या तुम पागल हो गए हो। हालांकि उनका प्रपोजल ठुकरा दिया गया, लेकिन फिर भी मनोज अपने फीलिंग्स को लेकर अड़े रहे। श्रद्धा को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने चाय बनाना सीखा, क्योंकि श्रद्धा पहाड़ी थी और उनको चाय भी बहुत पसंद थी। इसके अलावा वो कोचिंग में श्रद्धा के लिए खाना भी लेकर जाते थे, क्योंकि श्रद्धा का रूम कोचिंग से बहुत दूर था। श्रद्धा को पटाने के लिए मनोज का यह डेडिकेशन देखकर उनके करीबी दोस्त अनुराग पाठक, जो कि 12th फेल बुक के राइटर भी हैं, उन्होंने मनोज को कहा कि उन्हें लड़की के पीछे पड़े रहने के बावजूद अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि श्रद्धा मनोज के लिए डिस्ट्रैक्शन के बजाय एक इंस्पिरेशन बनी। वो मनोज को गाइड किया करती थी और उनकी राइटिंग स्किल्स को अच्छा करने में मदद किया करती थी। वो मनोज के लिए नोट्स बनाया करती थी और यहाँ तक कि उन्हें खाली रजिस्टर भी दिया करती थी, जिसपे वो प्रैक्टिस करके अपनी राइटिंग सुधार सकें। श्रद्धा मनोज के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर थी। जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उसको जाने मत, आपके जीवन में मनोज अपने तीनों अटेम्प्ट में फेल हो गए थे, जबकि श्रद्धा पीसीएस एग्जाम पास करके डिप्टी कलेक्टर बन चुकी थी और बाद में दोनों ने यूपीएससी क्लियर किया और एक दूसरे से शादी कर ली। अब उनका एक बेटा और एक बेटी भी है। उन्होंने मुझे बोला था कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कैसे प्रशासन चलाएं, तो मैंने उनको ये बोला था कि तभी क्या हुआ था, मैं घबरा गया था, तो मेंबर ने बोला पानी पी लीजिए,
तो मैंने कहा सर पानी नहीं पी सकता मैं, क्योंकि ये गिलास जो है वो कांच का है। बोले क्यों कांच का है तो उससे क्या अंतर पड़ता है? मैंने सर मैं स्टील गिलास में पीता हूँ। वो बहुत गुस्सा आया, बोलिए क्या बकवास, मतलब पानी गिलास चेंज होने से आप पानी नहीं पियेंगे स्टील का? मैंने सर मैं वही तो बोल रहा हूँ,